देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे यूपी में राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी की कमर तोड़ने के लिए भाजपा का पूरा प्लान तैयार है। इस प्लान का सारथी भाजपा कभी समाजवादी पार्टी के ही कर्ता धरता रहे शिवपाल यादव को बनाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव को भाजपा अपने खेमे में लाने के लिए सभी मोहरे तैयार कर रही है, जिसमें सबसे अहम है आजमगढ़ लोकसभा सीट और जसवंत नगर विधानसभा सीट। अखिलेश के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो चुकी है और खबरों की माने तो भाजपा का प्लान है कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाकर लोकसभा भेजा जाए। वहीं शिवपाल अभी जसवंत नगर से विधायक हैं और उनके यह सीट छोड़ने के बाद भाजपा यहां से अपने टिकट पर शिवपाल के बेटे आदित्य को मैदान में उतार सकती है। इस तरह शिवपाल और उनके बेटे को सम्मान और पद दोनों मिलेंगे और भाजपा को मिलेगा संगठन का एक माहिर खिलाड़ी और बड़े पैमाने पर यादव मतदाताओं का समर्थन। सपा मुखिया अखिलेश यादव से लगातार उपेक्षा झेल रहे शिवपाल यादव को अपने अपमान का बदला लेने का इससे बेहतर मौका शायद ही कोई और मिले, और इसीलिए वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में भाजपा नेताओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही शिवपाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर सीएम योगी से मिलने तक में शिवपाल जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। मुलाकातों के इस दौर से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य सुरक्षित करना, उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा सीट के सहारे शिवपाल खुद को स्थापित करेंगे। उनकी पार्टी प्रसपा और उसके नेताओं को अगर भाजपा उचित सम्मान और पद देती है तो शिवपाल को भाजपा के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। इसीलिए अटकलें लग रही हैं कि भाजपा शिवपाल को अखिलेश यादव के इस्तीफे देने से रिक्त हुई आजमगढ़ संसदीय लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो शिवपाल अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट से बेटे आदित्य यादव को उपचुनाव में भाजपा के टिकट से उतार सकते हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा शिवपाल को राज्यसभा भी भेज सकती है। एक बड़ी बात यह भी है कि शारदा प्रताप शुक्ला, शिव कुमार बेरिया सहित शिवपाल के कई करीबी नेता पहले ही भगवा खेमे में जा चुके हैं। बहरहाल भाजपा और शिवपाल यादव क्या फैसला लेते हैं ये तो जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इस सब के बाद अखिलेश यादव के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने मिलकर नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को पूरी तरह खदेड़ दिया और पूर्वोत्तर की सभी चारों सीटें जीत ली। नॉर्थ ईस्ट में मिली कांग्रेस की हार इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं चुनकर आया। बीजेपी ने त्रिपुरा सीट अपने दम पर जीती और नागालैंड की सीट निर्विरोध जीत ली। सबसे दिलचस्प असम की दो सीटों का मामला रहा, जहां कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और अमान्य वोट की वजह से बीजेपी और उसकी सहयोगी यूपीपीएल ने दोनों सीटें जीत ली। असम में मिली हार से बौखलाई कांग्रेस ने अपने एक विधायक को सस्पेंड कर दिया और सीधे बीजेपी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हमारी रणनीति विधायकों की अंतरात्मा पर भरोसा करने की थी, हमें कांग्रेस विधायकों से 7 वोट मिले हैं। 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगियों के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए आवश्यक मतों में 4 वोट की कमी थी। विपक्ष के पास एक सीट आराम से जीतने लायक वोट थे। असम की दो सीटों पर बीजेपी के पवित्रा मार्गरेटा और यूपीपीएल के तमगरा नारजारी ने जीत हासिल की। पुनः बोरा को हार का सामना करना पड़ा, जो संयुक्त विपक्ष के आम उम्मीदवार थे। एनडीए के पास अब इस क्षेत्र से उच्च सदन की 14 में से 13 सीटें हैं। असम की एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा है। बीजेपी ने नागालैंड सीट भी निर्विरोध जीती, जिस पर उसके सहयोगी एनपीएफ का कब्जा था। त्रिपुरा में भाजपा उम्मीदवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा ने सीपीएम उम्मीदवार पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भानुलाल साहा को हराकर जीत हासिल की। नागालैंड में भाजपा की एस फांगनोक कोन्याक ने राज्य की राजनीति में इतिहास रच दिया और राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस की शिकायतों पर सुनवाई शुरू करने के बाद असम की दो राज्यसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती में 5 घंटे से अधिक की देरी हुई। भाजपा के 3 सहित कुल 5 विधायकों ने कथित तौर पर चुनाव नियमों का उल्लंघन किया था। चुनाव आयोग द्वारा सभी शिकायतों को खारिज किए जाने के बाद रात 10:15 बजे मतगणना शुरू हुई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि उसके निलंबित विधायक शशिकांत दास, बीपीएफ विधायक दुर्गा दास बोरो और भाजपा के तीनों विधायक हितेंद्रनाथ गोस्वामी, गणेश लिंबू और संजय किशन ने वोट डालते समय चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के 25 बागी कांग्रेसी विधायकों की तरफ से सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी का मामला अभी चल ही रहा था कि एआईसीसी के सदस्य विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को एक और चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में उन्होंने सोनिया गांधी को साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को रोकने के चक्कर में कांग्रेस खुद को बर्बाद न करे।
उन्होंने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी शिवसेना और एनसीपी के कुकर्मों की कांग्रेस भागीदार नहीं बने, क्योंकि उनके ऊपर पड़ रहे कीचड़ के दाग कांग्रेस के दामन पर भी लग रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। विश्वबंधु राय से पहले भी कई कांग्रेसी चिट्ठियां लिख लिख कर महाराष्ट्र में कांग्रेस की दुर्दशा और इसके लिए जिम्मेदार कारकों से पार्टी आलाकमान को अवगत कराते रहे हैं। राय ने अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी को लिखा है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस के सहयोगी दलों, शिवसेना और एनसीपी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा छापे डाले जा रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, लेकिन सरकार के साथ होने के कारण इनके कुकर्मों की बदनामी कांग्रेस को भी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी को लिखा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर अस्तित्व में आई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश के आगामी किसी भी चुनाव में हम किन उपलब्धियों के दम पर जनता से वोट मांगेंगे? हमारे विधायकों को यही चिंता सता रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में आयोग मंडल और समितियों में सहयोगी दलों के लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। सिर्फ कांग्रेस के ही कोटे की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। ताजुब है कि महाराष्ट्र के प्रभारी पार्टी की अंदरूनी असंतोष की स्थिति से अनजान रहते हैं और स्थिति बिगड़ने पर इसे संभाल भी नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की जुगाड़ वाली सरकार जनहित के लिए कितने काम कर रही है ये शायद ही किसी को पता हो, लेकिन नवाब मलिक और अनिल देशमुख के हित में पूरी उद्धव सरकार जी जान से जुटी हुई है। उद्धव सरकार की पहली कोशिश है कि कैसे भी इन दोनों नेताओं को जमानत मिल जाए और लगे हाथ इन मामलों से जांच एजेंसियों को अलग कर दिया जाए, लेकिन अफसोस ये कि हर बार की तरह एक बार फिर अदालत ने उद्धव सरकार की एक नहीं चली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई से जांच नहीं कराए जाने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि एसआईटी बनाकर उस जांच उसे सौंपी जाए। महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि सीबीआई निदेशक एस के जायसवाल राज्य के डीजीपी रह चुके हैं, ऐसे में राज्य के पुलिस अधिकारियों से जुड़ी जाँच निष्पक्ष नहीं रह सकती। महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने देशमुख पर लगाए गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की प्राथमिक जांच करने का सीबीआई को निर्देश दिया था। परमबीर ने देशमुख पर गृह मंत्री रहते 100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली करने समेत भ्रष्टाचार आचरण के कई आरोप लगाए थे। इस संबंध में अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में देशमुख ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल को बिना उनका पक्ष सुने उनके खिलाफ जांच किए जाने का एक तरफा आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने बिना किसी उचित वजह के ही राज्य सरकार और वहां की पुलिस पर अविश्वास जताया। परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से अपने तबादले से नाराज होकर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने बिना सभी पक्षों को सुने और तथ्यों की पड़ताल किए सीबीआई को मामला सौंप दिया। परमबीर ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने आदेश देते समय जयश्री पाटिल नाम की वकील की तरफ से पुलिस को सौंपी गई शिकायत को आधार बनाया है। देशमुख ने सीबीआई की विश्वसनीयता को भी संदिग्ध बताया। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि उसने परमबीर के आरोपों को गंभीरता से लिया, उनकी जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी का गठन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सीधे एफआईआर दर्ज करने को तो नहीं कहा, लेकिन प्राथमिक जांच के लिए कह दिया। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का बेवजह अतिक्रमण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस का खुद का ठिकाना नहीं है और जाहिर है कि पार्टी की असंतुष्ट गुट यानी कि जीतेस का भी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हद यह है कि सबके सब बीजेपी विरोधी फ्रंट तैयार करने के लिए चिंता में डूबे जा रहे हैं। इतनी चिंता कि वे कांग्रेस की करते तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन पार्टी का कोई नेता ममता बनर्जी के पास दौड़ लगा रहा है तो कोई शरद पवार के पास, लेकिन हकीकत यह है कि ये नेता खुद चुनाव जीत पाएंगे या नहीं इस बात का पता उन्हें खुद नहीं है। कांग्रेस के साथ दोहरा खेल कर रही ममता बनर्जी ने जैसे ही बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया, कांग्रेस के नेता बिल्लियों की तरह उछलने लगे। कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि अन्य विपक्षी दलों और 137 साल पुरानी पार्टी के बीच छोटे मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए, क्योंकि गैर भाजपा नेता भाजपा जैसी शक्ति को हराने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि यह विपक्षी एकता कांग्रेस की घोषित स्थिति है।
कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने बार बार इस पर जोर दिया है। अतीत में कांग्रेस ने सभी को एक मंच पर एकत्र करने की पहल की है। शर्मा ने कहा कि बात यह है कि जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में आएगी। आनंद शर्मा ने कहा कि विपक्षी एकता के लिए हमें पूरी गंभीरता के साथ मिलकर काम करना होगा। हालांकि आम चुनाव में कांग्रेस भाजपा से हार गई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उसका मत प्रतिशत 19.55% था, जो कि क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। इस चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय स्तर पर 5% वोट भी नहीं मिले थे। गौरतलब है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत 2014 में 19-31 था, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वृद्धि हुई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में वह गठबंधन सरकार में शामिल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई नेताओं ने कई बार कांग्रेस को आगे आकर विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की जरूरत को रेखांकित किया है। ममता बनर्जी ने सभी गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को पत्र लिखकर प्रगतिशील ताकतों के साथ आने और दमनकारी भाजपा शासन का विरोध करने का आह्वान किया था। बनर्जी ने पिछले साल ये भी कहा था कि सप्रंग क्या है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि संयुक्त विपक्ष में कांग्रेस की बहती भूमिका है, इसीलिए बनर्जी अपने पिछले रुख के विपरीत आचरण कर कांग्रेस को साधने का प्रयास कर सकती हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि यह विपक्षी एकता के लिए बनर्जी का पत्र लिखना अच्छी पहल है। हालांकि मैंने पत्र देखा नहीं है, फिर भी मैं यह कहूंगा कि यह स्वागत योग्य कदम है। सभी प्रगतिशील राष्ट्रवादी पंथ निरपेक्ष ताकतों को साथ आकर धार्मिक और चरमपंथी शक्तियों से लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ममता बनर्जी विपक्ष का एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर राज्य में मत विभाजन को रोकने के वास्ते विपक्ष को संयुक्त होना चाहिए। बनर्जी द्वारा अतीत में कांग्रेस की आलोचना करने के बाबत पूछे जाने पर तिवारी ने कहा, जब देश को बचाने की चुनौती हो तब ऐसे छोटे मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्लान तो बनाया था कि मनरेगा को लेकर वो संसद में मोदी सरकार पर निशाना साधेंगी और इस बहाने खूब लाइमलाइट लूट लेंगी, लेकिन जनाब हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वो कहावत तो सुनी ही होगी कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दुबे बनकर वापस आ गए। ठीक यही हुआ मैडम सोनिया के साथ। उन्होंने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा ही था कि भाजपा सांसदों ने उनकी बोलती ही बंद कर दी। दरअसल सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को लेकर इसमें चार कमियां बताईं और इसके लिए उचित बजट आवंटन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने की मांग की, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए उनको करारा जवाब दिया। सोनिया गांधी ने लोकसभा में मनरेगा में बजट आवंटन और मजदूरी के भुगतान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इसके बाद भी चालू वर्ष के लिए मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा का कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, इसने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान करोड़ों गरीब परिवारों को समय पर मदद प्रदान की और सरकार को बचाने में सकारात्मक भूमिका निभाई, फिर भी मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन में लगातार कटौती की जा रही है। इस पर भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी को जवाब देते हुए कहा कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा सच्चाई से कोसों दूर है। साल 2013-14 में यूपीए सरकार में मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन 33,000 करोड़ रुपए था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में यह 1,12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना में यूपीए सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसे मोदी सरकार ने समाप्त किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्तियों की जियो टैगिंग शुरू की गई और श्रमिकों को उनके जनधन खातों में सीधे भुगतान किया गया। वहीं भाजपा ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेसियों की बातों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें पीएम मोदी की हत्या की बात कही गई है। इसके बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इस संबंध में सभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मेल में दावा किया गया है कि 20 किलो आरडीएक्स के साथ भारत में एक्टिव स्लीपर सेल्स पीएम मोदी को मारने की साजिश रच रहे हैं। ईमेल करने वाले ने कहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है जिससे इस साजिश का पर्दाफाश ना हो सके।
वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अपने नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों ने 20 स्लीपर सेल का गठन किया है। जिस शख्स ने एनआईए को ईमेल भेजी है उसका कहना है कि प्रधानमंत्री को मारने की योजना तैयार हो चुकी है और इस काम के लिए 20 स्लीपर सेल्स तैयार हैं और 20 किलो आरडीएक्स की व्यवस्था कर ली गई है। 2 करोड़ लोगों को मारने का दावा करने वाले इस शख्स ने ईमेल में यह भी कहा है कि उसके कई आतंकियों से संबंध हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में आईईडी विस्फोटक पदार्थ और अभी हाल ही में जयपुर में आरडीएक्स बरामद हुआ था। वहीं ईमेल भेजने वाले ने मेल में लिखा है कि मेरे पास 20 किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स है और मैंने 20 बड़े हमले की योजना बना ली है। इन सभी आरडीएक्स को बड़े शहरों में प्लांट कर दिया गया है। मैं मोदी को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मारना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री पर बमबारी करूंगा क्योंकि इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और 2 करोड़ से अधिक लोगों को मार दूंगा। उसने अपने ईमेल में आगे लिखा है कि लोग मर रहे हैं इसलिए वे अब मेरे बम से मरेंगे। मैं कुछ आतंकियों से मिला हूं और वे मेरी मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि मुझे बम आसानी से मिल गए। अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। अब इस ईमेल की बातों में कितनी सच्चाई है सुरक्षा एजेंसियां इसे जांचने में लगी हुई हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही देश विरोधी तत्वों के निशाने पर रहे हैं लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनकी साजिश हमेशा विफल होती रही है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। एक तरफ जहां जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं तो वहीं उनके करीबियों के भी अब दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। आजम खान के बेहद करीबी मुरादाबाद में सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ अपर नगर आयुक्त के साथ अभद्रता करने और धमकी देने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं पुलिस ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा है। गौरतलब है कि नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल पिछले महीने की 26 तारीख को नगर निगम की टीम ने कटघर थाना के शिवपुरी इलाके में हाउस और वाटर टैक्स बकाया होने पर जमाल हुसैन के मकान को सील कर दिया था। जमाल ने इस कार्रवाई का विरोध किया और अपने रिश्तेदार और सपा नेता यूसुफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मलिक पहले अपने रिश्तेदार के पास पहुंचे और फिर उन्होंने अपर नगर आयुक्त को फोन मिलाया और उनके साथ गाली गलौज की, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। यूसुफ ने धमकी देते हुए खुद को आजम खान का दायां हाथ बताया लेकिन अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनकी सारी गुंडेगर्दी गायब कर दी है। वहीं यूसुफ ने इसे लेकर नगर निगम पर ही आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ उनकी बेटी रहती थी, वह घर पर ही थी और नगर निगम की टीम ने इस पर सील लगा दी जबकि घर का टैक्स जमा है, कुछ भी बकाया नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी फोन करने पर गलत व्यवहार कर रहे हैं और कर्मचारी सील खोलने के लिए पैसे मांग रहे हैं। हालांकि जांच में यूसुफ मलिक की यह कहानी झूठी साबित हो चुकी है। जांच में यह सिद्ध हो गया है कि यूसुफ मलिक की बेटी परीक्षा देकर आई थी, वह घर पर नहीं थी। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों ने सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह के साथ बदतमीजी करने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर कार्यालय पर हंगामा भी किया। अपर नगर आयुक्त के अनुसार टैक्स जमा न होने के कारण ही कार्रवाई की गई है। इसके बाद यूसुफ मलिक ने उनसे फोन पर अभद्रता की और जान से मारने की धमकी भी दी, खुद को आजम खान का दायां हाथ बताते हुए दबाव बनाने की कोशिश भी की थी। मकान की सील के साथ छेड़छाड़ करके मकान के अंदर किसी को घुसाया गया, धमकी देने, सरकारी काम में बाधा डालने और सील से छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।